पिट्यूटरी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इन दिस डायग्राम यू कैन easily seen that there are two lobes of light green and light yellow color, which is anterior and posterior pituitary, and in between these two lobes there is a dark green color slightly narrow type of lobe is shown here, which is an intermediate lobe. तो आज हम इसी intermediate lobe के बारे में discuss करेंगे कि इस lobe की क्या खासियत है। तो देखिए, इंटरमीडिएट लोब भी हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करती है और उन हॉर्मोन्स का नाम है MSH, मिलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हॉर्मोन। ये MSH भी दो तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा, जो आपको आपकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है स्किन के अंदर एपिडर्मिस डर्मिस की स्ट्रक्चर बनाई गई है, वहाँ पे मिलानोमा और मिलानोसाइट मिलानोसाइट सेल्स आपको दिखाई गई हैं, वो सेल्स जो कि मिलानन का सिक्रीशन कर रही होती है, और इन्हीं सेल से जुड़ा हुआ हार्मोन है मिलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो इन सेल्स को स्टिम्युलेट करने का काम कर रहा होता है। अब इस MSH के जो फंक्शंस हैं उसका मेन फंक्शन हम बोल ही चुके हैं कि ये मिलानिन का प्रोडक्शन करवाता है मिलानोसाइट्स की जरिए, और मिलानोसाइट्स हमारे स्किन और हेयर के अंदर पाए जा रहे होते हैं। मिलानोसाइट्स वो सेल्स होती हैं जो मिलानिन का सीक्रेशन करेगी, मिलानिन पिगमेंट को बनाएगी, और मिलानिन पिगमेंट हमारी स्किन को कलर, हमारे हेयर को कलर देने का काम कर रहा होता है। स्किन और हेयर का कलर आपने देखा है, कई लोगों के ब्लैक हेयर्स होते हैं, कुछ लोगों के ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, तो वो सब इसी मिलानिन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो पहला फंक्शन है MSH का मिलानिन का सीक्रीशन। इसके अलावा MSH ब्रेन को सिग्नल भी देता है, जिससे कि ये हमारे अंदर एपिटाइट और सेक्सुअल एरोजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिटाइट टर्म जो है वो काम में ली जाती है भूख के लिए, भूख को बढ़ाने का काम भी MSH का होता है। तो अभी हमने इसके तीन फंक्शंस पढ़े। पहले फंक्शन के अंदर MSH जो है वो मेलानिन का प्रोडक्शन करेगा हमारे स्किन और हेयर में, और दूसरा MSH ब्रेन को सिग्नल देता है जिससे कि एपिटाइट और सेक्सुअल एरोजल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे इंटरमीडिएट लोब का काम है। इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हमारे पिट्यूटरी का लास्ट पोर्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपको डायग्राम अपनी थर्ड स्लाइड में येलो कलर का डायग्राम दिखाया गया है, एंटीरियर पिट्यूटरी का डायग्राम है, और ग्रीन कलर से आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिखाई गई है, जिससे बताया गया है कि हाइपोथैलेमस जुड़ा हुआ, हाइपोथैलेमस में जो न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरो जो सेंसेशन है जो भेजेगा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स के द्वारा, वो उसको सेंसेशन देता है, हॉर्मोन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर, ये अपना इफेक्ट दिखाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको ब्लड वेसल्स रेड कलर की दिखाई गई हैं, ये ब्लड वेसल्स जो है वहाँ पर, अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी उन ब्लड वेसल्स के अंदर हार्मोन को रिलीज़ करेगी जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन और ADH। ऑक्सीटोसिन जो है वो यूटेराइन मसल्स को और मैमरी ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट कर रहा होता है, उनके ऊपर अपना इफेक्ट दिखा रहा होता है, जबकि ADH जो है वो किडनी ट्यूब्यूल्स के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इन्हीं हॉर्मोन्स को हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि ADH जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं या उसको वैसोप्रेसन भी कहा जाता है, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है हमारी सेल्स के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर ये हार्मोन बन रहा होता है, सिंथेसाइज्ड होता है हमारी सेल्स में सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा। हाइपोथैलेमिक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, और वहाँ से निकल करके ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा करके स्टोर्ड हो जाता है। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो वहाँ की सेल्स की सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस में सीक्रेट हो रहा है।
और हमारे पोस्टर पिट्यूटरी में जा कर के ये स्टोर हो जाता है, और जब कभी भी इसका इसकी ज़रूरत होती है तो ये अपना असर दिखाता है, जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है वहाँ पर उसका इफेक्ट दिखाया गया है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज हो रहा होता है, ADH किडनी के ऊपर इफेक्ट दिखाता है, तो डाययूरेसिस कॉज करता है, डाययूरेसिस के दौरान मतलब इसका जो है वो रोल होता है, और ये खुद क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है एंटी डाययूरेटिक, तो हमारी बॉडी में वाटर को रिटेन कर रहा है, क्योंकि डाययूरेटिक का मतलब है यूरिन का फॉर्मेशन करने वाला, और एंटी डाययूरेटिक मतलब जो इस प्रोसेस को रोक रहा होगा। तो जब यूरिन नहीं निकलेगा बॉडी से, इसका मतलब हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट वैसा ही बना रहेगा, निकलेगा नहीं। तो जब वाटर को रोकना होता है तो ADH अपना रोल करता है, और कैसे करता है, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई यूरिन जो है वो आपके ब्लड से ही बनता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू बन रहा होता है, तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसके थ्रू ये बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करने का काम कर रहा होता है। ये दो मेन प्राइमरी फंक्शंस होते हैं ADH के। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा कि पोस्टर पिट्यूटरी में पहला हार्मोन हमने पढ़ा है ADH, जिसको अपन वैसोप्रेसिन कहते हैं, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है और पोस्टर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, किडनी के ऊपर इसका फंक्शन होता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके बॉडी में वाटर को रिटेन रखता है, बनाए रखता है, निकलने नहीं देता, मतलब वाटर लॉस से हमारे को बचाता है। अब इस ADH की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, तो वो हमें देखना है। तो पहली डिजीज़ है डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसका रोल है, पॉली यूरिया के अंदर इसका रोल हो रहा होता है। तो देखिए डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, और लार्ज अमाउंट में डाइल्यूटेड यूरिन जो है पर्सन की बॉडी से निकल रहा होता है। तो यूरिन जब बॉडी के अंदर ज़्यादा निकल रहा है तो ऑब्वियस है बॉडी में वाटर लॉस हो रहा है, अगर बॉडी में वाटर लॉस हो रहा है तो पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, और ये तब हो रहा होता है जब हमारे अंदर ADH अपना सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि ADH तो आप जानते हैं भाई एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, तो वो ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन हमारी बॉडी से पास होने ही नहीं देता है, तो हमारे अंदर वाटर लॉस नहीं हो पाता, पर अगर ADH की कमी आ गई तो वाटर लॉस बॉडी में हो जाएगा, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में ऐसा देखा जाता है। दूसरी डिजीज़ आप देख सकते हैं कि भाई ऐसे में फिर पॉलीयूरिया हो जाएगा, जब यूरिन ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं साइंटिफिकली, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया क्या है, एक्सेसिव या एबनॉर्मली यूरिन का ज़्यादा प्रोडक्शन होना। कितना ज़्यादा हो रहा होता है, एडल्ट्स के अंदर 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर तक एडल्ट्स के अंदर हो रहा होता है यूरिन का प्रोडक्शन, तो वो कंडीशन पॉलीयूरिया कहलाती है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन होती है 1 से 2 लीटर यूरिन पास आउट होता है। दूसरा, ये डिपेंड कर रही होती है भाई आपके पानी पीने की हैबिट पर कि आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं या कम पानी पी रहे हैं, पर अगर 2.5 या 3 लीटर या उससे भी ज़्यादा अगर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम पॉलीयूरिया कह रहे होते हैं। तो ये आपको डायग्राम भी बता रहे हैं कि कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से वैसोप्रेसिन के थ्रू ADH हार्मोन जा रहा है, किडनी पर अपना असर दिखा रहा है, और किडनी पर असर दिखाने से ये यूरिन ज़्यादा बन रहा है। इस डायग्राम में बहुत अच्छे से ये चीज़ दिखाई गई है, बहुत खूबसूरती के साथ में ये दिखाई गई है। और ऐसा किन किन में हो जाता है, जिनमें कोई हेड इंजरी रही हो, पिट्यूटरी ट्यूमर रहा हो, आप ऊपर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, या फिर क्रेनियोटॉमी किसी ने करवाई हो, तो उनमें भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो इसमें दिखाया गया कि भाई हो सकता है ऐसे लोगों के अंदर 20 लीटर तक भी यूरिन एक डे पूरे दिन में पास हो रहा हो, इस दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है, ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, पर्सन में हाइपोवोलेमिया मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, टैकाइकार्डिया हार्ट बीट का चेंज हो जाना, और BP का कम हो जाना, ये इसके साइन एंड सिम्टम है। S&S का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम किसके हैं, जब ये ADH अपना फंक्शन नॉर्मल नहीं करता, वैसोप्रेसिन का DDAVP कंडीशन के साथ में ये जुड़ी हुई है। और आप इस कंडीशन के दौरान क्या कर सकते हैं, तो वो नर्सिंग केयर भी इस दूसरे वाले जार के फॉर्म में दिखाई गई है कि भाई ऐसे में आपको पर्सन का फ्लूड को हमेशा मॉनिटर करते रहना है, रिप्लेस करता रहना है, फ्लूड हमेशा उसको देना है,
इसके अलावा उसका न्यूरो स्टेटस आप चेक करिए पर्सन का कि क्या वो सही है, वाइटल साइन पर्सन के आप चेक कर सकते हैं, और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन को आप चेक करते रहिए ताकि आप इस कंडीशन को ठीक कर सकें, उसको समझ सकें। तो एक हार्मोन हमारा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, दैट इज़ ADH। सेकेंड हार्मोन इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी जो है वो हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर होता है। हाइपोथैलेमस में बनेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब में ये स्टोर होगा। आपको डायग्राम में ये दिखाया गया है, हाइपोथैलेमस से बन रहा है, न्यूरोसिक्रेटरी जो सेल्स है हाइपोथैलेमस की, वहाँ से ये बना, पिट्यूटरी में गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ पर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू निकल करके अपना काम कर रहा है। अब क्या काम करता है ऑक्सीटोसिन, क्या एक्शन है उसका? तो ये मैमरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्शन का काम कर रहा होता है तब जब लैक्टेशन पीरियड होता है किसी लेडी के अंदर। लैक्टेशन पीरियड कब आता है? प्रेगनेंसी के बाद में, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो दूध का प्रोडक्शन अच्छे से हो, मिल्क प्रोड्यूस हो और वो बाहर निकले और बच्चा उसको अच्छे से पी सके, आराम से पी सके, तो उसके लिए मैमरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, ये यूट्रस की स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल्स में। तो ये ऑक्सीटोसिन का रोल जो है वो फीमेल्स के अंदर रोल है। पहला ये मैमरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा यूट्रस की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है, आप जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के समय इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही हो रहा होता है। और कई बार आपने देखा है कि कई लोगों में नॉर्मली नेचुरली अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता तो उसमें कुछ दवाई का इंजेक्शन लगाया जाता है, और वो दवाई यही है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि यूट्रस की स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है, लेबर पेन स्टार्ट होता है और लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेबर मतलब डिलीवरी, तो बच्चा अपने आप डिलीवर हो जाता है और बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये है ऑक्सीटोसिन का रोल। यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। पिट्यूटरी के अंदर हमने एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ा और इंटरमीडिएट लोब भी हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इसके अलावा हमने जो है एक ग्लैंड, इसके साथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो हमारे को पढ़नी थी। कौन सी ग्लैंड कंप्लीट हो चुकी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारी एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट करी थी, जिसमें डिफरेंट ग्लैंड आ रही हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, एड्रीनल, पेनक्रियास, थाइमस। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे पिनियल ग्लैंड। तो देखिए, पिनियल ग्लैंड को हम पिनियल बॉडी भी कहते हैं, एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। ये एक स्मॉल कोन शेप की स्ट्रक्चर होती है जो कि पोस्टीरियरली ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल से निकलती हुई आगे बढ़ रही होती है पिनियल ग्लैंड। आपको पता है ये हेड के नीचे लोअर वाले पार्ट, मतलब ब्रेन के लोअर वाले पार्ट के अंदर ये पाई जा रही होती है, तो पोस्टीरियर रीजन के अंदर ये देखने को मिलती है। और ये कोन शेप की ग्लैंड है जिसे हम पिनियल बॉडी भी कहते हैं, एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। पिनियल ग्लैंड के अंदर न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लायल सेल्स और स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम पिनियलोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि पिनियल ग्लैंड्स की सेल्स हैं इसलिए पिनियलोसाइट्स ये कहलाती हैं। ये पिनियलोसाइट्स जो हैं वो हार्मोन बनाती है जिसका नाम है मेलाटोनिन, जो कि डायरेक्टली हमारे CSF के अंदर जाएगा, क्योंकि ब्रेन में पाई जा रही होती है तो ब्रेन से ये हार्मोन मेलाटोनिन, जो कि पिनियल ग्लैंड की पिनियलोसाइट्स सेल्स सिंथेसाइज करती हैं और डायरेक्ट उस हार्मोन को CSF के अंदर डाल देती है। CSF जो है हमारे ब्रेन का फ्लूड है, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। वहाँ CSF से ये फिर ब्लड में जाएगा और हमारे बॉडी के
फंक्शंस को ये अफेक्ट करेगा, जैसे कि मेलाटोनिन का मेन फंक्शन है ये रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कर रहा होता है, और जो फिजियोलॉजिक साइकिल्स है प्यूबर्टी के अंदर जो चलेगी वो डेली फिजियोलॉजिक साइकिल्स इसी मेलाटोनिन से चल रही होती हैं। तो बिल्कुल छोटी सी ग्लैंड है, ज़्यादा हमें इसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है कि पिनियल ग्लैंड को हम पिनियल बॉडी एपिफाइसस सेरेब्राई कहते हैं, कौन शेप की स्ट्रक्चर है, ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल से पोस्टीरियरली निकलती हुई दिखाई देती है, इसमें न्यूरॉन्स, न्यूरोग्लियल सेल्स और स्पेशलाइज सेंसरी सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम पिनियलोसाइट्स कहते हैं। ये पिनियलोसाइट्स मेलाटोनिन का सिंथेसिस करेंगी जो कि सीधा CSF के अंदर रिलीज होगा, CSF से ये ब्लड के अंदर पहुंचेगा और वहां से ये हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट करता है और फिजियोलॉजिक साइकिल्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये पिनियल ग्लैंड की खासियत। अब इसके बाद हमारे को नेक्स्ट हार्मोन पढ़ना है या नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करें तो वो पढ़नी है, और वो ग्लैंड है हमारी थायरॉयड ग्लैंड, जो आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रही है कि ये एच शेप की एक ग्लैंड है। आपको बहुत क्लियर इस डायग्राम में बहुत अच्छी सी बहुत सुंदर सी दिखाई गई है कि ये थायराइड ग्लैंड है जो कि एच शेप की है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स निकलती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये इस ग्लैंड की खासियत है। इस ग्लैंड के अंदर हमारे को पढ़ना है, इसके एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारे नेक रीजन के अंदर पाई जाती है, लैरिंग्स और ट्रेकिया के आगे की तरफ ये सिचुएटेड रहती है। 25 ग्राम इसका वेट होता है, ये बटरफ्लाई शेप की दिखाई दे रही होती है और दो लोब्स इसके अंदर होती हैं और दोनों लोब्स एक पतली स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है जिसको हम स्थमस कहते हैं। डायग्राम में ये दिखाया गया है आपको ब्लू कलर का ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे आपको ये रेड कलर की जो है वो थायरॉयड ग्लैंड दिखाई गई है जिसके दो लोब्स हैं, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर लोब्स दिखाए गए हैं और दोनों लोब्स को बीच में एक पतली सी स्ट्रक्चर जोड़ रही है, नैरो स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्थमस कहते हैं। ये थायरॉयड ग्लैंड की स्थमस होती है, नेक रीजन के अंदर है, 25 ग्राम की छोटी सी स्ट्रक्चर है थायरॉयड ग्लैंड। अब कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो T3, T4 नाम के हार्मोन्स मेनली इससे सीक्रेट हो रहे होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम के अंदर। इसके अलावा कैल्सीटोनिन भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो अब इसके बारे में पढ़ें कि ये तीनों क्या होते हैं, T3 क्या है, T4 क्या है, कैल्सीटोनिन क्या है। तो T3 को हम ट्रायोडोथायरोनिन भी कहते हैं, ये हमारे बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर अपना असर दिखा रहा है। सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस चल रहे हैं, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी T3 रिस्पॉन्सिबल है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं वो मेटाबॉलिज्म भी T3 कंट्रोल करता है, या आप कहिए रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम कर रहा होता है और हार्ट रेट को भी ये रेगुलेट कर रहा होता है। मतलब ये हार्मोन अगर बिगड़ा तो हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएंगी, ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हार्मोन है थायरोक्सिन, जिसको हम T4 कहते हैं। ये भी हमारे अंदर डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है और मैच्योरिटी लेवल को हमारे अंदर मेंटेन करता है। अगर थायरोक्सिन ज़्यादा हमारे अंदर सीक्रेट होने लग जाए तो हमारा डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, तो हम कम उम्र में भी बड़े दिखाई दे रहे होते हैं। आपने देखा है कई बच्चों को होते छोटे हैं पर वो दिखाई बड़े दे रहे होते हैं, या बिहेव वो बड़ों की तरह बिहेवियर उनका होता है। और अगर थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो ऑब्वियस है उनका डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, डिलेड डेवलपमेंट देखने को मिल रहा होता है, धीरे धीरे वो मैच्योर हो रहे होते हैं, समझदारी उनमें थोड़ी लेट आ रही होती है। तो ये दोनों T3, T4 के रोल हैं। नेक्स्ट हार्मोन है कैल्सीटोनिन, जो कि थायरॉयड ग्लैंड की सी सेल्स के द्वारा सीक्रेट हो रहा होता है। नाम से भी पता चल रहा है कि ये ब्लड और बोन के कैल्शियम
के ऊपर इसका रोल होगा। मेनली आप जानते हैं कैल्शियम आपके बोन के अंदर पाया जा रहा है, तो बोन के अंदर कैल्शियम को बढ़ाने का काम कैल्सिटोनिन करता है, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ब्लड में ये कैल्शियम लेवल को कम करता है, क्योंकि कैल्शियम बोन में ही होता है। आपके हार्ड टिश्यू में कैल्शियम होता है, ब्लड में कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। तो ब्लड से कैल्शियम कम करेगा और वहाँ से बोन में भेज देगा, ताकि ब्लड में कम हो जाए और बोन में सफिशेंट अमाउंट में हो जाए। इसके अलावा जो पैराथायरॉयड हार्मोन का असर हमारे शरीर पर पड़ रहा होता है, उस असर को भी कैल्सिटोनिन कम करता है या अपोज करता है, जिससे कि ब्लड में जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ऐसा इस हार्मोन की खासियत है। इसके अलावा क्या है, थायराइड इज़ नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर लाइफ। अगर ये नहीं भी होगा, थायराइड की कोई कमी भी आ गई, तो बहुत ज़्यादा बुरा असर कोई खास इसमें नहीं पड़ रहा होता है। पर अगर बचपन में या एडल्टहुड में ये ग्लैंड बॉडी से निकाल दी जाए, तो ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उनका दिमाग, उनकी फिजिकल स्टेट जो है काफ़ी कम हो जाती है, या फिज़िकली थोड़े से स्लो हो जाते हैं, मेंटली थोड़े से स्लो हो जाते हैं। और बच्चों के अंदर अगर ये ग्लैंड नहीं हो या निकाल दी जाए, तो बच्चों का दिमागी विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो कद काठी में थोड़े छोटे रह जाते हैं। क्योंकि हमने इसका फंक्शन पढ़ा कि भाई ये ग्रोथ डेवलपमेंट करवा रहा है, तो अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं करेगी, तो ड्वार्फिज्म की कंडीशन बच्चों के अंदर आने के चांसेस रह रहे होते हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा हम इनको देख लें, थायराइड ग्लैंड के बारे में देख लें कि ये नेक में पाई जाती है, लैरिंग्स ट्रेकिया के आगे 25 ग्राम की बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, जिसमें दो लोब्स होते हैं और वो दोनों इस्थमस से जुड़े होते हैं। तीन तरह के हार्मोन T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का बोन में रोल होता है, बोन फॉर्मेशन कर रहा होता है, जबकि T3 ग्रोथ डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। T4 जो है वो इसकी खासियत है कि डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद हमने कहा कि भाई अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर इसको हटा दिया जाए, तो हम पर्सन को बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है और उसका मानसिक और शारीरिक विकास थोड़ा धीमे पड़ जाता है। छोटे बच्चों के अंदर ऐसे बच्चे मेंटल रिटार्डेड रह जाते हैं और ड्वार्फिज्म की कंडीशन में देखने को मिलती है। अब इस थायराइड के सीक्रीशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है, वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि TSH जो है वो थायराइड हॉर्मोन्स को रेगुलेट कर रहा होता है। TSH का रोल है, TSH हमने कहाँ पे पढ़ा था, TSH हमने पढ़ा था इससे पहले जो हमने ग्लैंड पढ़ी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमने TSH पढ़ा था। तो वही TSH जो है यहाँ पर हमारे अंदर इस थायराइड ग्लैंड को भी रेगुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन था TSH, तो वहाँ पर हमने इसका फंक्शन पढ़ा था, इट स्टिम्युलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T4 एंड T3, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो आप वापस से उसे देख लीजिए। तो द रिलीज ऑफ TSH बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, जो TSH पिट्यूटरी से निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होगा और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ये थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करेगा। इसकी ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे कि फंक्शन जो है वो धीमे हो जाता है। ये किसका मैकेनिज्म बता रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बता रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को धीमे कर देता है। कब होता है ऐसा, कुछ पर्टिकुलर टाइप के स्टिम्युलेशन जब मिल रहे होते हैं, तो उस केस में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा और थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा। तो आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि हाइपोथैलेमस से जो है वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है, जो TSH को रिलीज कर रहा है। TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करेंगे, T3, T4 रिलीज होगा, जो कि पेरिफेरल टिश्यूज़ में चला जाता है। पेरिफेरल टिश्यूज़ के थ्रू जब अगर ये ज़्यादा हो गया है, तो इसके दो तरह के नेगेटिव फीडबैक हो सकते हैं। पहला, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ही जाकर सीधा कहे कि भाई तुम हार्मोन का सिक्रीशन रोक दो, या हो सकता है जाकर के सीधा हाइपोथैलेमस को बोले कि तुम
टीआरएच का सिक्रीशन रोक दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो गया हार्मोन, हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं है। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। आपको इसी तरह से फ्लो चार्ट जो दिखाया गया है, ये रे डायग्राम दिखाया गया है, इसी के थ्रू इसको पढ़ना है और एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से आंसर लिखना है। अब कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं थायराइड ग्लैंड की वजह से? तो पहली डिजीज़ का नाम है गॉइटर, दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ है। तीसरी है हाइपर, ऑब्वियस सी बात है भाई, हाइपो होगा तो हाइपर भी होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म को हम ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं, तो ये इसकी खासियत है। सबसे पहली डिजीज़ हम पढ़ लेते हैं गॉइटर, जिसमें थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और ये आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि टीवी के अंदर इसके एडवर्टाइजमेंट आप देखते रहते हैं कि नमक में आयोडीन की मात्रा अगर नहीं है तो गलगंड रोग हो जाएगा। वो गलगंड रोग यही गॉइटर होता है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाती है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये गॉइटर कहलाता है। इस केस में पर्सन की गर्दन फूल जाती है, सांस लेने में उसको दिक्कत आती है, उसे कफ रहना स्टार्ट हो जाता है, आवाज़ ख़राब हो जाती है या गला ख़राब हो जाता है, और उसको निगलने में दिक्कत आ रही होती है, खाने को वो आसानी से निगल नहीं पाता, स्वेलोइंग उसकी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं गॉइटर के, गर्दन का फूल जाना, सांस लेने में दिक्कत आना, खांसी रहने लगना, आवाज़ का गले का ख़राब हो जाना और स्वेलोइंग के अंदर दिक्कत आना। दूसरी डिजीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड कम रिलीज़ होगा इस कंडीशन में, रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। T3 T4 दोनों कम हो गए, हमारे ब्लड के अंदर रिलीज होने कम हो गए हैं, जिसकी वजह से पर्सन को हो सकता है गॉइटर हो जाए, चेहरे में सूजन आ जाती है, ऐसे लोगों के पफीनेस दिखाई दे रही होती है, ऑर्बिटल पैरी ऑर्बिटल रीजन के अंदर सूजन दिखाई दे रही है। आपको डायग्राम में ये दिखाया गया है पैरी ऑर्बिटल नीचर, आँखों के नीचे सूजन रहती है ऐसे लोगों को, डायग्राम में बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। तो पैरी ऑर्बिटल रीजन जो कि आँखों के नीचे का पार्ट होता है, इसमें स्वेलोइंग आ जाएगी और पर्सन के बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, टॉसेस रहने लगता है, मतलब टॉसेस जो है ये जो आपके पलकों वाला रीज़न है, ये ऊपर का रीज़न है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसक जाता है, अपर आईलिड थोड़ी नीचे की तरफ खिसक जाती है, आपको डायग्राम में भी दिखाया गया। लेटरल आईब्रोज एकदम थिन हो चुके हैं, ये एकदम पतले से हो गए हैं, जो चौड़ाई दिखाई दे रही होती है वो नहीं दिखाई दे रही है। और इसके अलावा स्किन जो है वो सूख जाती है, मोटी हो जाती है, रफ़ दिखाई देने लग जाती है और पीली पड़ जाती है। तो पर्सन एकदम डल सा, बीमार सा दिखाई देता है, चेहरे पे हालांकि सूजन है पर फिर भी स्किन सूखी लग रही होती है, आँखों में सूजन दिखाई दे रही होती है, बाल उड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिनसे आप हाइपोथायरॉयडिज्म को पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन आ रहा है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसे मैंने आपको बताया था ग्रेव्स डिसीज़ भी कहते हैं। इसका क्वेश्चन जब आता है तो ग्रेव्स डिसीज़ के नाम से आता है, हालांकि एनाफिजियो में आपके नहीं पूछा जाता है, पर आप पैथो वगैरह या MSN वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये टॉपिक आएगा आपके, ग्रेव्स डिसीज़। इसके अंदर T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसको हाइपरथायरॉयडिज्म कह रहे हैं। साइन एंड सिम्टम्स, थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती पर मॉडरेट एनलार्जमेंट देखने को मिल रहा होता है, और एग्जोफ्थैलेमस यानी लिड रिट्रैक्शन हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देने लग जाती है। तो ये ग्रेव्स डिसीज़ के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो इस टॉपिक के साथ हमारे थायराइड ग्लैंड वाला टॉपिक कंप्लीट, और हमारे आज का लास्ट टॉपिक है पैराथायराइड ग्लैंड। ह्यूमंस के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो पाई जाती हैं, आपकी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होती है। कहाँ पाई जाती है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, आपको थायराइड ग्लैंड दिखाई गई है रेड कलर की, जिसमें येलो कलर के 4 पॉइंट्स दिखाए गए हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड है। अगर हमने थायराइड ग्लैंड के अंदर एक लाइन बोली थी कि थायराइड ग्लैंड एसेंशियल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, अगर इसको हटा दिया जाए तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है,
बाकी कोई खास बुरा असर नहीं पड़ता, पर हमने पैराथायरॉयड के लिए लाइन बोली है कि ये एसेंशियल है लाइफ के लिए, मतलब अगर हम इसको हटा दें तो पर्सन को एस्फिक्सिया की वजह से डेथ कॉज हो जाती है। अब क्या काम कर रहा होता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका फंक्शन क्या है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में चीफ सेल्स पाई जा रही होती हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन का सीक्रीशन करती हैं। चीफ सेल्स का ये काम है, आपको चीफ सेल्स डायग्राम के अंदर भी दिखाई गई हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड का डायग्राम है जो कि हमने इसकी स्लाइड बनाई हुई है, जिसमें आपको रेड कलर की कैपिलरीज वगैरह दिखाई दे रही हैं और उसमें ये वाइट से कलर के रीजन दिखाई जो दे रहा है, उसके आसपास छोटे छोटे जो ब्लू कलर की सेल्स हैं वो चीफ सेल्स हैं। इनका इस पैराथायरॉयड हार्मोन का जो सीक्रीशन है वो इसी चीफ सेल से हो रहा है। और क्या फंक्शन करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन का सीक्रीशन करता है जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा होता है, जो कि थायराइड का बिल्कुल उल्टा है। थायराइड वाले में हमने पढ़ा था कि क्या काम कर रहा था, वो काम कर रहा था बोन के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा था, जबकि पैराथायरॉयड क्या कर रहा है? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है। तो ये पैराथायरॉयड की खासियत है। थायरॉयड के साथ में ही ये ग्लैंड पाई जा रही होती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमने जब थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा था तो उसके हमने हॉर्मोन्स पढ़े थे, तीन हॉर्मोन्स थे, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का हमने फंक्शन पढ़ा था कि बोन में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है जबकि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करता है। और नीचे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ये पैराथायरॉयड के अपोजिट फंक्शन कर रहा होता है, क्योंकि पैराथायरॉयड ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है और थायरॉयड जो है वो बोन के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन कर रहे होते हैं। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है किसी पर्सन के अंदर? तो जब हमने बोला कि कैल्शियम के अंदर रोल प्ले कर रहा है तो ऑब्वियस है कैल्शियम से रिलेटेड डिजीज़ ही इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो कैल्शियम से रिलेटेड दो डिजीज़ इंपॉर्टेंट आपने पढ़ी हुई हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। दोनों ऑलमोस्ट सेम डिजीज़ हैं, पर रिकेट्स बच्चों में होती है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। रिकेट्स आपने पढ़ी हुई है कि इस डिजीज़ में छोटे बच्चों के अंदर बोन डिफॉर्मिटी आ जाती है, बच्चों की बोन्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, बो शेप की हो जाती हैं बोन्स जो हैं, तो बच्चों के पैर जो है मुड़े हुए होते हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, बोन्ड लेग्स दिखाया गया है, लास्ट पॉइंट है इसमें, तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये 6 महीने के आसपास के बच्चों के अंदर ये बीमारी देखने को मिल रही होती है, तो ऐसे बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ऐसे बच्चों के करैक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं कि बोन्स डिफॉर्म्ड होंगी, उनकी कलाई और एंकल रीजन जो है वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, बीच का रीज़न पतला और जो जॉइंट्स वाले रीज़न है वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं, और ऐसे बच्चों की ग्रोथ भी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं मुड़े हुए पैर, जिसको हम बोर्ड लेग्स कहते हैं, जबकि उसके जॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और जहाँ की बोन्स आपको दिखाई दे रही है वो कर्व ली हुई हैं, जबकि नॉर्मल पर्सन की बोन्स जो हैं वो स्ट्रेट होती हैं, यहाँ पे कर्व्ड बोन्स हैं। तो ये रिकेट्स की खासियत है, ये उन बच्चों के अंदर हो जाती है, एक तो जिनके अंदर कैल्शियम नहीं होता, या जो जिन बच्चों को सन रेज नहीं मिल रही होती हैं उनके अंदर भी ये डिजीज़ देखने को मिलती है। तो आपने देखा है कि छोटे बच्चों को माँ जो है वो अच्छे से मालिश, तेल की मालिश करके धूप में लिटाती हैं, या धूप में बिठा करके मालिश कर रही होती है, लिटा करके मालिश कर रही होती है, वो इसीलिए ताकि कैल्शियम का लेवल नॉर्मल रहे और रिकेट्स जैसी बीमारियाँ उनको ना हो। दूसरी बीमारी है हमारी ऑस्टियोमलेशिया, ये एडल्ट्स के अंदर देखने को मिल रही होती है। ऐसे एडल्ट्स जो डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम नहीं लेते हैं, तो उनकी हड्डियों में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही हो नहीं पाता, तो बोन्स उनकी वीक हो जाती है। हालांकि जनरली ऐसी कंडीशन फीमेल्स के अंदर ही देखने को मिल रही होती है, ऐसी फीमेल्स जिनमें मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही हो और वो बहुत ज़्यादा उनको लैक्टेशन से गुजरना पड़ रहा हो, बच्चे को जब बहुत प्रेगनेंसी होंगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों को दूध पिलाना पड़ रहा होता है, तो बॉडी का उनका खुद का जो कैल्शियम लेवल है वो ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर वो एबनॉर्मल हो जाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया फीमेल्स के अंदर होने वाली डिजीज़ है, जबकि रिकेट्स बच्चों में होने वाली डिजीज़ है।
इसके अलावा तीसरी जो बीमारी पैराथायरॉयड की वजह से होती है वो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इसमें कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ब्लड में, जिससे कि पर्सन जो है वो साइकियाट्रिकली डिस्टर्ब्ड हो जाता है, दिमागी तौर पर उसका विकास नहीं हो पाता या वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है, आप ये बात बोल सकते हैं। और पैरेस्थीसिया उनके अंदर देखने को मिल रहा होता है, और कैटरेक्ट भी जो है उनके अंदर डेवलप हो जाता है। कैटरेक्ट आंखों की बीमारी है, आपको पता है, तो कैटरेक्ट डेवलप हो जाता है, पैरेस्थीसिया हो जाता है, और साइकियाट्रिक डिस्टर्बेंस उनके अंदर देखने को मिल रहा होता है। ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की खासियत होती है। इसके बाद हम अगर देखें तो नेक्स्ट डिजीज़ आती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जब पैराथायरॉयड का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, कम हो गया तो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, ज़्यादा हो जाए तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। जब पैराथायरॉयड बहुत एक्सेसिवली सीक्रेट होने लग जाता है तो रीनल कैल्क्यूलाई बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि पैराथायरॉयड का काम यही है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। नॉर्मल पैराथायरॉयड भी जब ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है कैल्शियम लेवल, तो वो किडनी जैसी जगहों पर जाकर के स्टोर हो जाता है वो कैल्शियम, और पथरी का निर्माण कर देता है, तो रीनल कैल्क्यूलाई बन जाता है। पर्सन में यूरिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है, पॉली यूरिया, पॉलीडिप्सिया, भाई यूरिन ज़्यादा बनेगा तो पर्सन को प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख उसको नहीं लग रही होती है, एनोरिक्सिया की कंडीशन हो जाती है, उसकी मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, भूख लगेगी नहीं, यूरिन ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो कमज़ोरी आ जाती है शरीर के अंदर, थकावट रहने लग जाती है, जनरल फटिक देखने को मिलेगा, और सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर कैल्सिफिकेशन, क्योंकि रीनल कैल्क्यूलाई जो है वो रीनल आपका सॉफ्ट टिश्यू होता है, हार्ड टिश्यू बोन्स इनेमल वगैरह हैं, तो सॉफ्ट टिश्यू में कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि बोन्स और जॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, बोन कमज़ोर हो जाएंगी, जॉइंट्स में बोन में पेन रहने लग जाता है। इसका असर नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है कि थकावट रहेगी, डिप्रेशन में आ जाएगा पर्सन, उसमें चिड़चिड़ाहट देखने को मिलती है, जो मेमोरी है वो थोड़े थोड़े समय के लिए ख़राब हो जाती है, भूलने लग जाता है वो चीज़ों को, चीज़ें ज़्यादा बिगड़ने लग जाती हैं, ब्रेन फॉग हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे कि दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, फॉग जैसी कंडीशन दिमाग में आ जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करें, हम कई बार ऐसा बोलते हैं हमें समझ नहीं आ रहा अब हम इस समय क्या करें, तो ब्रेन फॉग की कंडीशन है। किडनी में प्रॉब्लम्स हो जाती है कि भाई वहाँ स्टोन बन जाता है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास हो रहा होता है, और भी कई किडनी की डिजीज़ उसकी वजह से हो जाती है। डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम आती है कि पेट दर्द रहने लगता है, ऐसे लोगों को नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत हो जाती है, जी घबराने लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, और पैनक्रियाटाइटिस यानी पैनक्रियास का इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है। लास्ट मसल पे ये असर डालेगा कि मसल्स वीक हो जाती हैं और दर्द करनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसके साथ हमारे आज के ये जो टॉपिक्स हैं, पिट्यूटरी, पिनियल और थायराइड और पैराथायराइड, ये हमने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आप इन्हें पढ़ लें और अपनी बुक से भी पढ़ लें, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, क्वेश्चंस लिख करके दे सकते हैं, तो मैं आपके डाउट्स जो हैं वो दूर कर दूँगी। Thank you, class. Thank you so much.